हथरस गैंगरेप कांड और कृषि बिल के खिलाफ आज दार्जिलिंग जिला कांग्रेस की तरफ से सिलीगुड़ी में निकाली गई प्रतिवाद रैली, इसके साथ ही पथावरोध भी किया गया। आज हाशमी चौक स्थित कांग्रेस के जिला कार्यालय के सामने ये रैली निकाली गई। ये रैली हिलकाट रोड होते हुए हाशमी चौक पर पहुंचकर समाप्त हुई। इसके बाद यहां कुछ समय के लिए पथावरोध भी किया गया। इस दौरान दार्जिलिंग जिला कांग्रेस के अध्यक्ष तथा माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी विधायक शंकर मलाकार मौजूद थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भी एक समय में विपक्ष में थे, लेकिन कभी भी उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कल योगी सरकार ने राहुल गांधी को हिरासत में लेने के संकेत दिए थे, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के विरोध में आज पूरे बंगाल में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं आज कृषि बिल के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा आज रैली व पथावरोध के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला भी फूंका। जातीय नेता राहुल गांधी उपरे योगी सरकार जघन्यतम आक्रमण करेछे, जेटा भारतवर्षेर इतिहासे कोथाओ खुजे पावा जाबे ना। বিরোধী আসনে অটল বিহারী বাজপেয়ীও ছিলেন, তার উপর এই ধরনের আক্রমণ কেউ করেনি। নরেন্দ্র মোদীরা বিরোধী দলে ছিলেন গুজরাটে, তার উপরে এরকম আক্রমণ হয়নি। কিন্তু যে জঘন্য আক্রমণ, গণতন্ত্রকে ধ্বংস করা, সংবিধানকে ধ্বংস করা, গোটা দেশ আজকে উত্তাল। রাহুল গান্ধীর মতো একজন জাতীয় নেতাকে আক্রমণ করে যোগী সরকার যে নিদর্শন সৃষ্টি করলেন, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সারা বাংলায় ছাত্র, যুব, মহিলা, সর্বস্তরের কর্মীরা রাস্তায় নেমেছে। আরেকটি দাবি, যে কৃষি বিল পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে নরেন্দ্র মোদী সরকার পাশ করিয়েছে, এই কৃষক বিরোধী আইনের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ।